इधर शारदा चिटफंड घोटाला मामले में सीबीआई की पूछताछ का सामना कर रहे राजीव कुमार की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद कुणाल घोष ने सीबीआई को चिट्ठी लिखकर राजीव कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। कुणाल घोष ने आरोप लगाया है कि शिलोंग में संयुक्त पूछताछ के दौरान जिन लोगों के नाम सामने आए थे, 10 फरवरी की रात गेस्ट हाउस लौटने के बाद राजीव कुमार ने उन्हें फोन किया था। ये वो लोग हैं जो इस मामले में गवाह हो सकते हैं। I have filed a complaint to CBI that after the first day of joint interrogation, some names were there who can be significant witness. But that very night, that is 10th of February 2019, after returning back from the CBI office Shillong to the guest house, Mr. Kumar communicated with those persons. कुणाल घोष से दो दिन की पूछताछ सोमवार को खत्म हो गई थी। वहीं इस मामले में कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से मंगलवार को चौथे दिन भी सीबीआई ने लंबी पूछताछ की। आज फिर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। आज एक बार फिर रॉबर्ट वाड्रा ईडी के सामने पेश होंगे। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से जयपुर में ईडी फिर पूछताछ करेगी। बीकानेर जमीन घोटाले मामले में रॉबर्ट वाड्रा से 9 घंटे पूछताछ हुई। उनकी मां मॉरीन से भी कुछ देर सवाल जवाब हुए। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को ही पूछताछ में ईडी वाड्रा के जवाबों से संतुष्ट नहीं है। वाड्रा ने ईडी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। ज्यादातर सवालों के जवाब में वाड्रा ने कहा कि उन्हें तथ्यों की जानकारी नहीं है। सूत्रों के मुताबिक दस्तावेजों के वेरिफिकेशन में उनका सहयोग बेहद कम है। रॉबर्ट वाड्रा आज सुबह 10:30 बजे फिर पेश होंगे, जबकि मॉरीन वाड्रा से पूछताछ पूरी हो गई है। मंगलवार को प्रियंका वाड्रा खुद रॉबर्ट वाड्रा और सास मॉरीन को ईडी दफ्तर छोड़ने पहुंची। वहां मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वाड्रा के समर्थन में नारेबाजी की और पोस्टर लहराए। पति से पूछताछ पर प्रियंका वाड्रा ने पहली बार बयान दिया। उन्होंने कहा, रॉबर्ट वाड्रा से ये चीजें चलती रहेंगी, ये चीजें चलती रहेंगी। मैं अपना काम कर रही हूँ। ठीक है भैया, रॉबर्ट वाड्रा से ये चीजें चलती रहेंगी, ये चीजें चलती रहेंगी। मैं अपना काम कर रही हूँ। ठीक है भैया, मैं काम कर रही हूँ।